हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर मैं सब्जियाँ वॉश कर रही हूँ, यानी कि सब्जियों को सैनिटाइज़ कर रही थी। सुबह सुबह इन्होंने मुझे सब्जियाँ ला के दी थी, तो मैंने सोचा चलो इसको पहले सैनिटाइज़ करते हैं, बाद में सारे काम होते रहेंगे। वैसे भी सब्जियों को ला के ऐसे ही घर पे रख तो सकते नहीं है, तो सब्जियों को वॉश करके ही रखना पड़ेगा और सैनिटाइज़ करके ही रखना पड़ेगा। मैं सब्जियाँ कैसे वॉश करती हूँ, यानी कि कैसे सैनिटाइज़ करती हूँ, तो ये तो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है डिटेल में वीडियो, बट फिर भी रिक्वेस्ट आ ही रही है पिछले ब्लॉग में, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ सब्जियों को सैनिटाइज़ करने के लिए। मैंने एक पतीले में, इतने बड़े पतीले में पानी ले लेती हूँ, जैसे सब्जियों के अकॉर्डिंग पानी ले लेती हूँ। थोड़ा सा गर्म पानी रहता है इस टाइम टंकी में, तो वो पानी ले लेती हूँ। और उसके बाद उसमें ना मैं हल्दी, नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालती हूँ, और उसे 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ। और उसके बाद मैं उसे अच्छे से साफ पानी से धो लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है उसे 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही सैनिटाइज़ होने के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेरी ग्रीन टी, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हो चुका था। और हाँ, किसी ने पूछा था कि ग्रीन टी कब कब लेना चाहिए, तो मैंने एक्चुअली बताया है या नहीं बताया है पता नहीं है आप लोगों को कि ग्रीन टी का सही टाइम क्या है, बट मैं अभी भी बता देती हूँ आपको कि ग्रीन टी का सही टाइम ये है कि ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के बाद आप आधे या 1 घंटे के बाद आप इसे ले सकते हो। और ग्रीन टी को आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हो, जैसे कि ब्रेकफास्ट के बाद आधे घंटे के बाद, और उसके बाद लंच आधे या 1 घंटे के बाद, और उसके बाद इवनिंग में और नाइट में डिनर के बाद आधे या 1 घंटे के बाद। तो ऐसे आप दिन में 3 से 4 बार ग्रीन टी ले सकते हो। तो मैं तो मैक्सिमम 2 से 3 बार लेती हूँ, दो ही बार हो जाता है, मतलब याद नहीं रहता है कभी कभी मुझे, और कामों में भूल जाती हूँ, तो इसी वजह से कम तो 2 बार लेने की ट्राई करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरी ख़त्म भी हो चुकी है ये, मतलब टेटली की ले रही हूँ मैं अभी, तो ये तो ख़त्म होने पर ही आई है, तो इन्होंने 2 पैकेट और ला के रख दिए हैं। और जिन जिन को ग्रीन टी बनाना नहीं आता है तो वो देख लीजिए, पहले पानी गर्म करना है, उसके बाद आपको टी बैग को उसमें डाल के रख देना है 5 मिनट के लिए, और पानी थोड़ा सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म रखना है, क्योंकि 5 मिनट के लिए जब तक हम लोग पानी रखेंगे उसमें तब तक वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। इसी वजह से पहले ही आपको पानी ज़्यादा गर्म करना है, मतलब उबला हुआ पानी चाहिए, और उसके बाद आपको इसे 5 मिनट के लिए रख देना है डिप करके, और फिर रेडी हो जाएगी आपकी ग्रीन टी पीने के लिए। और यहाँ पर मेरे जो सब्जियाँ है वो सैनिटाइज हो गई थी, मतलब 1-2 घंटा हो गया था, तो मैं करने लगी थी इसे वॉश। और साफ़ पानी से 1-2 बार वॉश करना है आपको, मतलब पहले तो साफ़ पानी लेना है 1 पतीले में, और उसके बाद उसे धो के डाल देना है, उसके बाद उसमें से भी धो के डालना है, मतलब 1-2 पानी से मैं वॉश करती हूँ। जब तक मैं 2 बार इसे वॉश नहीं करती साफ़ पानी से, तब तक मुझे तसल्ली ही नहीं मिलती, तो इसे 2 पानी से वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद उसे सूखने के लिए डाल देती हूँ। यार, मैं ना परेशान हो गई हूँ इन सारी चीज़ों से, मतलब पहले कैसा था और अब कैसा है आप देखो। और कुछ भी चीज़ लाते हैं तो पहले सैनिटाइज ही करना पड़ता है, ये काम इतना बढ़ गया है इस लॉकडाउन में, मतलब जब से कोरोना आया है। और मैं तो प्रे कर रही हूँ कि यार पहले जैसी सिचुएशन हो जाए सारी, और पहले जैसा, मतलब सारा पहले जैसा हो जाए यार। ये काम तो बढ़ ही गया है हमारे यहाँ पे, मतलब कुछ भी ला नहीं सकते बाहर से, एक तो ला भी लिया बाहर से कुछ तो पहले पहले तो उसे बाहर ही रखना पड़ता है कितनी देर तक, उसके बाद अगर घर में लाओ तो उसके बाद उसे सैनिटाइज करना पड़ता है। कोरोना की वजह से ये काम तो हमारा बढ़ ही गया है ना, आप देखो, मतलब वो तो हम लोगों को ही करना पड़ता है, और ये काम, मतलब घर के भी काम करो और ये सारी चीज़ें करो, ऊपर से हमेशा के लिए डर भी लगा रहता है कि यार सैनिटाइज़ नहीं करेंगे, यार कुछ चीज़ आ गई, कहाँ से आई है, क्या आई है, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ना थोड़ा सा डर ही लगा रहता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही है, और थोड़ा सा चेंज ही हो गया है माहौल, थोड़ा सा क्या, सारा ही चेंज हो गया है यार, मतलब पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है हमारी। तो कब ये ख़त्म होगा और कब हम पहले जैसे नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। ये कितना ज़्यादा टेंशन बढ़ गया है आप लोग सोचो, मतलब थोड़ा सा भी आपको कहीं से पता चल जाता है कि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव है तो कितना ज़्यादा डर लगता है। और कुछ दिन पहले ना साइड में ही थोड़ा सा पास में ही एक पेशेंट पता चला है कि कोरोना पॉजिटिव है, तो वो जो बाजू का एरिया है पूरा सील कर दिया गया है, इसीलिए थोड़ा सा डर लगने लगा है अब तो। सैमसंग घातला त्याला बटन नसते, चलिये मग माझ्या पाठीवर ये, पाठवून माझ्या थांब एक मिनिट, मग तुला आपण गेलो बोल बोलो
बस जैसे ही मैं किचन में आई तो मुझे दिखी कि सब्जियां मेरे ड्राई हो गई है, तो मैंने सोचा चलो इसे लगे हाथ फ्रिज में भी रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये बॉक्सेस में फ्रिज में रख रही हूँ। एक्चुअली ये बॉक्स के बारे में बहुत लोगों ने पूछा था कि कितने दिन रहती है इसमें सब्जियां ताज़ी, तो बहुत दिन रह जाती है यार, और इतने दिन तो हम लोग रखते भी नहीं है, तो इस तरह से 8 दिन तो आराम से रह ही जाती है इसमें सब्जियां सारी। तो मैं इसी तरह से बॉक्सेस में रख देती हूँ, क्योंकि ना मतलब ढूंढने में परेशानी नहीं होती है, मतलब जिस बॉक्स में से चाहिए वो इजीली निकाल के हम लोग रख भी सकते हैं। तो इसी तरह से मुझे ये बॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने डीमार्ट से परचेस किया है। आप लोग और पूछोगे तो कहाँ से परचेस किया है, जिनको नहीं पता है तो वो लोग पूछेंगे ही, तो इसीलिए पहले से ही बता दिया कि डीमार्ट से परचेस किए हैं। और प्राइस का तो अभी मुझे याद नहीं है। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ मैकरोनी, तो एक्चुअली बच्चों को भूख लगी थी तो मैंने सोचा चलो ये जल्दी बन जाएगी, इसीलिए मैकरोनी बना रही हूँ, और बहुत जल्दी बन जाती है इसीलिए बहुत टेंशन का काम नहीं है ये इसे बनाना। तो एक्चुअली यहाँ पर पानी चढ़ा दिया है गर्म करने के लिए, पानी गर्म हो गया था, बॉईल हो गया था, उसके बाद मैंने उसमें तेल ऐड किया था और उसके बाद उस नमक ऐड किया था और मैकरोनी डाल दी थी। तो बस होगी हमारी मैकरोनी। और उसके बाद यहाँ पर मैं उसके तड़के की भी तैयारी कर रही थी, तो मैंने पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है ऑयल में और उसके बाद उसे होने दिया था। उसके बाद मैंने उसमें डाला था क्या बोलते हैं प्याज, और उसे भी होने दिया था अच्छे से, और उसके बाद शिमला मिर्च वगैरह काट के डाला है। आपके पास जो भी सब्जियाँ हैं वो आप काट के डाल सकते हो, और ना मैकरोनी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में, तो इसी वजह से जल्दी पक जाएंगी, नहीं तो ये ओवर कुक अगर हो गई ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो इसी वजह से आपको चेक करना है कि ये ओवर कुक ना हो, और 5 मिनट तक ही आपको इसे पकाना है, उसके बाद ये कुक हो जाएगी जल्दी से। उसके बाद आपको ऐसे ही स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेना है इसे और ठंडे पानी से वॉश कर लेना है, ताकि इसका जो स्टार्च है वो पूरा निकल जाए और ये चिपके ना, तो इसीलिए ठंडे पानी से वॉश कर लेना है ताकि ये चिपके ना। और थोड़ा सा ना ओवर कुक नहीं करना है, इसका ध्यान देना है सिर्फ आपको। और उसमें मैंने जो शिमला मिर्च प्याज डाला था ना, उसमें मैंने डाल दिया है टोमेटो थोड़ा सा, और उसके बाद में थोड़ा सा नमक ऐड किया है टोमेटो गलने के लिए, और मैं थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है, नहीं तो क्या होगा, अभी अगर आप बच्चों बना रहे हो तो थोड़ा सा कम ही ऐड करिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कम ही ऐड किया है। अगर आप खुद के लिए बना रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हो, तो मैंने 1 चम्मच ही ऐड किया था, 1 चम्मच से भी कम ऐड करना है, बच्चे खाते नहीं है उन्हें तो। और यहाँ पर मैंने ये सारा मसाला हो गया था, उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है टोमेटो सॉस, और उसके बाद मैकरोनी जो है वो ऐड कर दूंगी उसमें और अच्छे से चला लूँगी। तो आपको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये सारा जो सॉस है वो उसमें मिक्स हो जाए। बस इसके बाद गैस को ऑफ़ कर देना है, इसके बाद इसे कुक नहीं करना है हमें, बस गैस को ऑफ़ कर देना है और अच्छे से चला लेना है आपको। और बस ये हो गया रेडी आपका मैकरोनी, और बस इसके बाद आपको उस पर धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए डाल देना है अगर आपको चाहिए हो तो, अगर नहीं डालना है तो ऐसे भी अच्छा लगता है, मैंने नहीं डाला था। और ये हो गई हमारी मैकरोनी रेडी, तो मैकरोनी यहाँ पर रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर हमारे लिए चाय भी चढ़ा दी थी, मतलब हम दोनों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, और अदरक वाली चाय बन रही है यहाँ पे, और उसके बाद ये मैकरोनी। तो शाम के टाइम में कुछ ऐसा मिल जाता है ना तो खाने के लिए थोड़ा सा भी मिल जाता है, तो फिर डिनर का इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। डिनर थोड़ा सा लेट भी बने ना तो टेंशन नहीं रहता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ शाम के टाइम में खाने के लिए बना ही देती हूँ, बच्चों के लिए या हमारे लिए ऐसे ही बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी भूखे रहते हैं, मतलब दोपहर का खाना जल्दी वो हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का बना देती हूँ खाने के लिए। और बस ये हो रही है डिश में सर्व हमारी मैकरोनी, और चाय भी रेडी हो चुकी है हमारी, और इसके बाद हम लोग गर्मा गर्म चाय और उसके साथ ये मैकरोनी, आहा मज़ा ही आ जाएगा।
गाइस यहाँ पर मैंने चिकन बॉईल करने के लिए रख दिया है और आज डिनर में बनने वाला है चिकन। हमने तो कुछ खा लिया है, मतलब पेट पूजा तो हमारी हो गई है वैसे। और हाँ, बच्चे बोल रहे हैं आप लोगों ने चाय पी है, हमारे लिए तो कुछ बना के ही नहीं दिया है, मतलब उनको चाय के बदले कुछ चाहिए था, तो इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि शेक वगैरह बना के दो हमें। तो मैं सोच रही हूँ उनके लिए शेक बना के दूँ, बट पता नहीं अभी उनको कौन सा शेक चाहिए। माही, आपको कौन सा शेक चाहिए? मैंगो शेक चाहिए। मैंगो शेक? हाँ। देखना पड़ेगा अभी। ओरियो है, ओरियो शेक बना के दूँ? ठीक है, चलेगा वो भी। तो चलिए फिर ओरियो शेक बनाती हूँ। ओरियो है बिस्किट, तो पहले मैंने सोचा था ओरियो शेक ही बनाऊंगी, बट ये मैंगो शेक बोल रही है। मैंगो शेक पी के आपको बोर नहीं हो गई हो आप? अच्छा लगता है, ओरियो शेक भी अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। और हाँ, कौन कौन ओरियो शेक बनाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत टेस्टी लगता है यार। और यहाँ पर मैंने लिया है एक मिक्सी का जार, और उसके बाद लिया है दूध और चीनी। और यहाँ पर मेरे पास बर्फ़ के क्यूब्स नहीं थे, तो मैंने हम लोगों ने क्या किया था कि ऐसे ही एक पतीले में वो रखा था, क्या बोलते हैं, बर्फ़ रखा था, तो वही मैंने लिया है। थोड़ा सा ठंडा पानी उसमें ऐड करूँगी, क्योंकि ये बर्फ़ तो टूटेगा नहीं या फिर अच्छे से, तो इसीलिए ठंडा पानी ही ऐड करूँगी। और मैंने लिया है ओरियो का पैकेट, तो आधा ओरियो का पैकेट डाल दिया है मैंने, और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करूँगी और चीनी ऐड की है। और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करनी है, आपको जितना मीठा चाहिए उतना, और उसके बाद आपको दूध ऐड कर देना है और अच्छे से उसे ग्राइंड कर लेना है। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा झाग भी आएगा, अच्छा लगता है झाग वगैरह आने के बाद, और अच्छे से ग्राइंड करना है ताकि जो आपके बिस्किट्स है वो पूरे दूध में घुल जाए, और अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है आपको। और यहाँ पर हो गया है हमारा ओरियो केक रेडी, बहुत ही जल्दी बन जाता है, ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत जल्दी बन जाता है। और बाहर पीने जाओ तो कितना ज़्यादा महंगा मिलता है आप लोगों को पता ही होगा, बट घर पे बनाओ तो इतना ज़्यादा इजी है कि आप इजीली घर पे बना सकते हो। बट वो होता है कि बाहर जाके पीने का मज़ा ही कुछ और होता है, ऐसा लोग मानते हैं, बट अगर घर पर बनाओ तो उतने पैसों में तो कितना सारा बन जाएगा यार। तो इसीलिए मैं बच्चों को ना घर पर ही बना कर दे देती हूँ, ओरियो शेक वगैरह पीने का मन किया तो कोई भी शेक मैं घर पर ही बनाती हूँ, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह भी घर पे ही बनाती हूँ। तो एक एक करके तो आपके साथ रेसिपी शेयर करती ही रहूँगी, और जो भी बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी ही। और अब तो समर में ठंडा पीने का ही मन करेगा, तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा घर पे, मतलब ठंडा जो भी शेक बनाऊँगी तो वो आपके साथ शेयर करूँगी ही। और बस इसके बाद मैं यहाँ पर ग्लास में चॉकलेट सिरप लगा रही हूँ ताकि इसमें डिज़ाइन अच्छे से बन जाए, और जब वो शेक हम लोग उसमें ऐड करेंगे ना तब ना वो दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, और बच्चों का पीने का भी मन करता है। तो इसी तरह से थोड़ा सा अगर आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हो ना तो बहुत सुंदर दिखता है, और मेहमान वगैरह को भी ऐसे सर्व कर सकते हो आप। तो इस तरह से मैं अभी शेक उसमें ऐड कर दूँगी और आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से दिखेगा वो बाहर से। कौन सा भी ले लो ना, मुझे ये वाला। हाँ, आपके हाथ वाला दे दो, दोनों हाथों से पकड़ो। अजय, दोनों हाथों से पकड़ो, टेस्ट करके बताओ माही। अच्छा है। हाँ? बहुत टेस्टी है, मैंने बताया आप, बहुत अच्छा है, बहुत आपने बताया बहुत अच्छा है। और माही? हाँ। अरे ऐसे नहीं करते बेटा, डॉगी को बुलाओगे तो डॉगी ढूंढ लेंगे आपके ऊपर। तो चलो, बच्चों की विश तो पूरी हो गई, थोड़ा सा बच्चों का अगर डिमांड पूरी कर देते हैं ना तो अच्छा लगने लगता है, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो यार ये खुश हो गए। तो अभी डिनर बनाने वाली हूँ, बट थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, काफी देर से लगी हुई हूँ किचन में, तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं चिकन बनाऊंगी।
गाइस डिनर बन चुका है और चिकन यहाँ पर बन रहा है हमारा, बस अभी हम लोग डिनर कर लेंगे। और किसी ने पूछा था कि माही कौन से क्लास में है, कौन से क्लास में जाने वाली है, कौन से क्लास में थी, तो माही आप ही बताओ बताओ ना। मैं तो 600 पर जाने वाली हूँ। मतलब गई जाने वाली, एग्जाम तो हुई नहीं ना आपकी? एग्जाम तो हुई नहीं ना? हाँ। तो 600 में तो चली गई है, ऑटोमेटिक ही चली गई, मतलब कुछ एग्जाम नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं। इसको तो बहुत खुशी हो रही होगी, इसको क्या, सभी बच्चों को खुशी हो रही है, बच्चों को क्या, बड़ों को भी जो कॉलेज में है उनको भी खुशी हो रही है कि चलो एग्जाम कैंसिल हो गए, पोस्टपोन हो गए, पोस्टपोन तो नहीं हुए हैं, कैंसिल ही हो गए थे, तो पहले पोस्टपोन हो गए थे, तो अभी इनके कैंसिल हो गए थे, तो अभी ये डायरेक्ट 6 में चली गई है, ना एग्जाम ना कुछ ना कुछ। अब इसका हमें टेंशन आ गया है सिर्फ एडमिशन करने का, तो एडमिशन करनी पड़ेगी एक दिन जाके उसके स्कूल में। ऑनलाइन वैसे फॉर्म भरा है मैंने, बट अभी एक दिन उसके स्कूल में जाके, पता नहीं वो लोग अभी स्कूल में एडमिशन ले रहे या नहीं ले रहे, बट उनसे पूछना पड़ेगा जाके यहाँ वहां पर, नहीं तो फिर कॉल ही करना पड़ेगा, वो भी नहीं किया है। ये लॉकडाउन की वजह से पता नहीं अभी स्कूल स्टार्ट हो गए या नहीं हो गए, कि ऑनलाइन ही एग्जाम होने वाली है इनकी या ऑनलाइन ही पढ़ाई होने वाली है, ये भी नहीं पता है। पता नहीं कोरोना कब खत्म होगा, सब लोग प्रे करिए साथ में, तब कोरोना खत्म हो जाएगा। अगर हम लोगों की सबकी प्रे सुनी जाए तो कोरोना खत्म हो ही जाएगा एक दिन, हम लोग वापस अपने रूटीन पे आ जाएंगे। तो चले फिर, किसी की एनिवर्सरी है तो वो विश करना है, और उन्होंने बोला था कि माही के साथ विश करो, तो मैंने सोचा चलो एक क्वेश्चन आ रहा था बार 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 कि माही कौन से क्लास में है वो भी बता देती हूँ, और माही के साथ विश भी कर देती हूँ उनको। तो मयूरी भानुशाली एंड अमित भानुशाली की आज वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू, आपको सारी खुशियां मिली आपकी लाइफ में और आप जो चाहो वो मिल जाए आपको। और माही को भी विश करना था उनको, तो माही हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मौसी एंड मौसा जी। क्यों मौसी एंड मौसा जी बोल रही हो आप, ये तो बता दो। मयूरी भानुशाली ने मुझे कमेंट करके बताया था मम्मा को कि मौसी बोला तो चलेगा मुझे। तो इसी वजह से ये मौसी एंड मासा जी बोल रही है। आई होप मयूरी जी आपको अच्छा लगा हो माही की मुंह से मौसी एंड मासा जी सुन के। तो चलिए फिर, जो दो नाम लेती हूँ उसका टाइम आ गया है, तो मेरी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, उनके आईडी पे भी अलग ही नाम लिखा है, उन्होंने अपने बहन के बच्चों का नाम लेने के लिए बोला है, तो उनके बहन के बच्चों का नाम है नूरसार, तहूरा एंड फातिमा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। सेकेंड नाम है मीनू सोनी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू, और आपको भी सारी खुशियाँ मिले आपकी लाइफ में, और आपको भी जो चाहे वो मिल जाए डियर। और चलिए फिर, इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पे मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। जैसे जैसे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।